बिजली, ओ बिजली, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? क्या खाने को दूं तुम्हें? हैं? कोई काम धंधा अच्छा तो पकड़ नहीं पाते हो? रोज रोज का वही साधारण खाना मुझे नहीं खाना है। अरे बिजली, मैं तो काम की तलाश कर ही रहा हूँ, बैठा तो नहीं ही हूँ ना। अब अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसका क्या मतलब है? थोड़ा दुख तो आता रहता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ब्याह करके लाए थे और कहा था सुखी रखूंगा, यही सुखी रख रहे हो क्या? अरे बिजली, मैं जाता हूँ, कुछ काम धंधा ढूंढता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ काम मिल जाए। अरे भैरव भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे कुछ नहीं, बस जा रहा था मुखिया जी के खेत पे काम करने। उससे पहले थोड़ा आराम कर रहा था, फिर तो काम करने से सुबह से शाम हो जाती है। अच्छा, अब मुखिया जी के खेत में काम है क्या? हाँ काम तो है, अभी फसल की बुआई जो चल रही है। अच्छा, अब मुझे काम मिलेगा क्या? चलो मेरे साथ, देखता हूँ अगर काम मिल जाए तो। मुनीम कौवा आने वाला है, उससे बात कर लेंगे। वैसे भी कल मुनीम ने कहा था 4 लोगों की जरूरत है, 3 हो गए थे, 1 की ही जरूरत थी, तू आ ही गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चल फिर। अरे सब तो आ ही गए, ये लो चौथा भी आ गया। चलो भाई, सब कोई अपना अपना काम शुरू करो, बोना शुरू करो, धान को रोपना शुरू करो, वरना अभी मुनीम आ जाएगा और देखेगा कि सब बैठे हुए हैं, तो पैसे शाम में काट लेगा। हाँ हाँ भाई, चलो चलो चलो। अरे कितने लोग लगा रखे हैं भैरव? अरे आप ही ने तो कहा था कल 4 लोग चाहिए। हैं, ये तो ठीक है, ये नया कौन है? ये कालू है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो भाई काम करो जल्दी जल्दी, शाम तक सारा काम हो जाना चाहिए, तभी पैसे मिलेंगे, याद रखना। और मुनीम जी, कैसा चल रहा है खेतों का काम? सब तो ठीक ही चल रहा है मालिक। हाँ, धान रोपने का काम शाम तक खत्म हो जाएगा। आज गांव का कालू कौवा भी आया हुआ है, वो भी खेतों में रोपाई कर रहा है। चलो अच्छी बात है। मुनीम जी, एक काम और था। क्या मालिक, कहिए। अरे पुराने बही खाते निकालो, बहुत दिनों से देखा नहीं है किसका क्या कर्जा है, उस हिसाब से सबसे पैसे भी तो वापस लेने हैं। हाँ मालिक, निकाल दूंगा पुराना वही खाता। ठीक है फिर जाओ। क्या हुआ कालू भैया, इतने में थक गए, खा पी के नहीं आए हो क्या? अरे क्या बोलूं भैरव, तेरी भाभी जो है ना, घर में चिक 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 करती रहती है। सुबह ही उससे कहा था मुझे खाने को कुछ दे दो, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। बस भूखा प्यासा आया हूँ, तो कितनी देर तक काम कर पाऊंगा, इसीलिए भूख लग रही है। अरे ये तो बड़ा बुरा है। कोई नहीं भैया, अब मेरे पास कुछ रोटियां पड़ी है, खा लेना तुम, बस थोड़ी देर में अब सारे मजदूर खाने के लिए ही जाएंगे, उसी समय तुम भी खा लेना। ये लो भैया खा लो, क्या करोगे, लुगाइयों का यही हाल है,
सबको कुछ ना कुछ उम्मीदें लगी रहती है, किसी की थोड़ी अच्छी है, किसी की ज्यादा अच्छी है और किसी की एकदम कम अच्छी है। हाँ भाई, ऊपर से खाने पीने को तो कुछ नहीं दिया, पर ये जरूर कह दिया है कि आते वक्त सारी सब्जी राशन सब लेते आना, तभी घर आना। अब बताओ, आज अगर मुझे मुनीम जी पैसे देंगे तो फिर मैं राशन ला पाऊंगा, वरना मेरे लिए मुसीबत रखी हुई है। अरे भाई, अब मुनीम के चक्कर में हो, वो तो पता नहीं कब आता है। चलो चलो, खाना पीना हो गया, अब सब अपने काम में लगो। अरे तुम लोग यहीं पे हो, मैंने तो सोचा था तुम लोग चले गए होगे। नहीं मालिक, कैसे चले जाएंगे, पैसे चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले भैरव, ये तेरा पैसा। ये ले गुन्नू, ये तेरा। ये ले मुन्नू, ये तेरा। और कालू, ये तेरा। अरे मुनीम जी, आपने तो बहुत देर कर दी। अरे क्या करूं, थोड़ा सा चला गया था दूसरे जगह, देर हो गई, माफ करना भैया। चल भाई भैरव, अब घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। ये लो, बाजार भी बंद हो चुका है, अब तो घर जाऊंगा तो बिजली वैसे ही नाराज होगी। बिजली, ओ बिजली, ऐसा करता हूँ, जाता हूँ सो जाता हूँ। बेकार में उसे जगाकर परेशान करना ठीक नहीं है। ओ बिजली, बिजली उठो। क्या हो गया, क्यों उठा रहे हो? अरे बिजली, मुझे काम मिल गया है, मैं आज राशन ले आऊंगा, घर में कोई कमी नहीं होगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है ठीक है, कितने दिनों से कहते हो काम मिल गया काम मिल गया, मुझे तो लगता है इस बार भी झूठ ही बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं बिजली, देखना मैं अब रोज पैसे लाऊंगा। कालू, ओ कालू, बाहर आ जरा। अरे मुखिया जी, मुखिया जी आप, देखो देखो बिजली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है मुखिया जी से पूछो, मुझे काम मिल गया है, मैं अब रोज काम पे जाऊंगा। ठीक है समझ गई, पहले देखो तो मुखिया जी क्यों आए हैं। अरे देखो, मैंने कल बही खाता देखा, बही खाते में तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी से बहुत सारा पैसा लिया था और उस पैसे का कर्जा चुकाया नहीं था। तुम ये घर खाली करो, ये घर तुम्हारे जो भी जमीन वगैरह है वो मेरे हुए, याद रखो मुझे सब कुछ अभी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं मालिक, मुझे तो पता भी नहीं है, अब मैं आपका सारा कर्जा मिटा दूंगा, आप मुझे कुछ वक्त तो दीजिए। देखो 3 महीने का वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3 महीने के अंदर तुम मेरा सारा कर्जा चुका दो, वरना ये घर मेरा होगा। और सुनो, तुम कल ही घर खाली कर दो, मैं तुम्हें 3 महीने बाद घर दे दूंगा, अगर तुमने पैसे चुका दिए तो। मालिक ऐसा मत करिए, कहाँ रहेंगे हम लोग, रहने के लिए एक छत तो चाहिए ना। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, 3 महीने के लिए तुम्हें ये घर और ये आंगन, इसके अलावे कोई भी चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, याद रखना। जा रहा हूँ मैं, इंतजाम करके रखना पैसे। सुनो, तुम यहाँ रहो, मैं जा रही हूँ अपने मायके, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है,
तुम तो पहले से ही फंसे हुए हो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, देखो एक साथ कितनी मुसीबतें टूट पड़ी है। अरे बेटा कैसे हो? अरे आप कौन है? मैं रास्ते से गुजर रहा था, कुछ खाने को दे दोगे? बाबा मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, कल मैंने मेहनत करी थी तो 300 रुपए मजदूरी मिले थे। अगर चाहो तो मैं तुम्हें ये पैसे दे सकता हूँ, तुम जाकर बाजार में कुछ खा लेना। अब तो मेरे घर में कोई है भी नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, ये लो पैसे। बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक ये आम का पेड़ है, इसे ले लो, इसे रखो, ये तुम्हारी बहुत काम आएगा। अरे बाबा मेरे क्या काम आएगा ये आम का पौधा? तुम्हारी किस्मत बदल देगा, तुम इसे लगा देना। क्या करूं इस पौधे को, अब तो ये घर भी मेरा नहीं है, लगा देता हूँ आंगन में, अगर मुखिया जी ही खाएंगे तो कम से कम मुखिया जी तो खाएंगे ना। अरे वाह ये तो लगता है जादुई आम है, ठीक कहा था बूढ़े कबूतर ने, मेरी किस्मत बदल जाएगी, ये तो सचमुच मेरी किस्मत बदल रही है। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम, आम ले लो आम। अरे रे रे, ओ कलमू है, क्या बेच रहा है तू? मौसी आँख वाँख खराब हो गया क्या, मोतिया बिंद हुआ है क्या? अरे रे रे, क्यों जली कटी सुना रहा है? तेरी बीवी तुझे छोड़ के गई है, इसीलिए जली कटी सुना रहा है ना? मौसी फल लेना है फल लो, नहीं लेना है रास्ता नापो, हवा आने दो। अरे रे रे कोई बात नहीं, मैं तेरी जली कटी बात का बुरा नहीं मानूंगी, दे दे मुझे 2 केजी। ये लो आम और चलो। अरे रे रे पैसे नहीं लेगा क्या? हाँ मौसी 200 रुपए दे दो। अरे चुप कर, मुझे बहुत अच्छे से पता है 50 रुपए केजी बेच रहा है तू। जब सब जानती हो तो क्यों मेरे से लग रही हो, पैसे दो और यहाँ से खिसको। अरे वाह सारे आम बिक गए, अब कल भी बिक जाए तो उसके बाद मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अरे वाह अब तो बहुत सारे पैसे हो गए मेरे पास, अभी तो एक महीना भी नहीं बीता है, मैं जाता हूँ मुखिया जी के पास, उन्हें दिखाता हूँ और उनसे घर के कागजात मांगता हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे कालू। हाँ भाई तू तो अभी ही आ गया है, क्या हुआ?
मुखिया जी ये लीजिए, ये आपके धन सारे जो आपने बताए थे उसके हिसाब से। अब मेरे घर के कागजात मुझे दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरे घर के कागजात रख कर क्या करूँगा, मुझे तो देना ही है ना। ले ये ले मुनीम, ओ मुनीम। आया आया मालिक। दे दे जरा कालू का कागजात। अरे कालू, मैं तेरे ऊपर नजर रखे हुए था, मैंने सुना है तूने एक आम का पौधा लगाया है, उस आम के पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे आम फरते हैं। हाँ मालिक, उसी ने तो मेरी किस्मत बदल दी है, जिसकी वजह से थोड़ा मैं यहाँ आकर कर्जा चुका पाया हूँ। अच्छा सुनो, सुना है तेरी बीबी तुझे छोड़कर चली गई है, ये कुछ अच्छा नहीं है। अब तो तू अपने घर को वो भी वापस ले गया, अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है, जल्दी ही तू बड़ा आदमी भी बन जाएगा, लेकिन पत्नी तो तेरी यहाँ नहीं है, चले जाना और जाकर अपनी पत्नी को ले आना। मालिक, जब मुसीबत आती है तो अपनों की पहचान होती है, जब वो मुझे मुसीबत में ही छोड़कर चली गई तो फिर क्या फायदा है, जीवन भर का साथ है, अगर वो मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़ी नहीं हो सकती है तो मैं अच्छे समय में उसे क्यों बुलाऊं? मैं अकेला ही ठीक हूँ, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे उसे बुलाना भी नहीं है। अरे ये तो कुछ अच्छी बात नहीं हुई, तेरा घर संसार कैसे चलेगा? मालिक, अब वो मेरा काम है, अब मुझे इस बारे में सलाह मत दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा घर संसार आसानी से चल पाएगा, मुझे अब उसी रास्ते पर ही चलना होगा, कोई उपाय नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने तो अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तो तुझे हमेशा कहती थी तू ही थी, मायके जाऊंगी वहाँ नहीं रहूंगी यहाँ रहूंगी करती रहती थी, ले अब भुगत, अब कुछ नहीं हो सकता है। बिजली रोती रह जाती है। बिजली, अरे ओ बिजली, उठ भी जाओ, मैं अब खेतों में जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी तरह देर से नहीं जगती हूँ, जग चुकी हूँ और खाना बना रही हूँ, आ रही हूँ तुम्हारा खाना लेकर। हाँ हाँ आओ आओ, जल्दी आओ, भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस आई। अरे तुम और तुम्हारा ये बैल, और तो कुछ है नहीं, दिन भर इसी में लगे रहते हो। अरे बिजली, आज ये बूढ़ा हो गया है लेकिन इसने बहुत समय तक हमारी मदद की है, हमें खाना खिलाया है, इस बात को भूलना मत। अरे समय के साथ जो नहीं बदलते हैं वो चले जाते हैं। अरे तुम मुझे ज्ञान मत दो, मुझे बस खाना खाने दो, जाना है खेतों में, बहुत काम पड़ा हुआ है। लो ना, मैंने कौन सा मना किया है तुम्हें।
अरे मोती, चल जल्दी जल्दी आज खेतों की जुताई कर दे। मैं जानता हूँ तू अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन क्या करूँ, जब तक काम चलता है तब तक काम चलाओ, बाद बाकी देखी जाएगी। अरे मोती, मैं समझता हूँ तू बूढ़ा हो गया है, चल भाई थोड़ा और साथ दे दे, थोड़ा काम बचा हुआ है, बस आज ही घर जाऊंगा। अरे बिजली, जल्दी से खाना निकालो। हाँ हाँ निकाल रही हूँ। कहाँ रह गए तुम और तुम्हारा वो बूढ़ा बैल, जल्दी आओ खाना ठंडा हो रहा है। अरे आ रहा हूँ, इतना क्या बौखलाती है। बिजली, कल मैं जाऊंगा बाजार और बाजार से दो बैल खरीद कर लाऊंगा। अरे दो बैलों की कीमत तो बहुत लग जाएगी। हाँ लग तो जाएगी, लेकिन अब मोती से काम नहीं होता है, मोती से जबरदस्ती काम कराने से कोई फायदा नहीं है। अरे ठीक है तो बेच दो उसे कसाई के हाथ में, अब कुछ पैसे तो आ जाएंगे ना, बिठा कर खिलाने से क्या फायदा है, घर में रख कर बिठा बिठा कर खिलाओगे क्या। अरे बिजली कैसी बातें कर रही हो, इतने सालों तक मोती ने हमारा घर चलाया है, हमारा ख्याल रखा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे और क्या करूं, जैसे सारे लोग करते हैं वैसा ही करना होता है, बिठा बिठा कर खिलाने में कितना खर्चा होगा तुम्हें कुछ पता है। देखो बिजली, इस बारे में मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम बहुत कठोर और निष्ठुर हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उसे सीधे मौत के मुंह में नहीं डाल सकता, वो जब तक मैं हूँ तब तक वो भी रहेगा, और मुझे रात के समय बकवास नहीं चाहिए, सोने दो मुझे, कल जाना है बाजार। आहा, मेरी सुनते कहाँ हो तुम, हमेशा तो तुमने अपने मन की ही की है। अरे भैया, अब मुझे दो बैल चाहिए थे। हाँ हाँ मेरे पास है, ले जा सकते हो आप, ये दो बैल हैं। कितने के आएंगे भैया? 30,000 रुपए के आएंगे, 15,000 के एक। अरे बाप रे, इतना पैसा, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा भैया, कुछ दाम कम करो भैया। देखो कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे, इससे कम में नहीं होगा। देखो भाई मैं तो उतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। देखो भैया, इन बैलों को मैंने खरीदा है 9,000 में, हो गए 18,000। अब इसमें 2,000 रुपए मैं फायदा नहीं कमाऊंगा तो क्या करूँगा, इतने दिनों तक बैलों को घर में रखा, खाना खिलाया, चारा खिलाया, फिर अरे भैया बैल मुझे चाहिए वरना मेरे खेतों की जुताई रुक जाएगी। कोई बात नहीं है, 19,000 में दे देना। भैया 19,000 दूंगा, चलो कोई नहीं है, ले जाओ इन बैलों को। और भैया नए नए बैल लेकर आ रहे हो, देख रहा हूँ पूरा सजा धजा बैल है, वाह 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 वाह, खूब सजाया है बैलों को। अरे नहीं भाई, मैंने बैलों को नहीं सजाया है, ये तो मुझे वैसे ही मिले, वैसे ही बेचने वाला सजा कर लेकर आया था। अच्छा अच्छा, अच्छे लग रहे हैं, हट्टे कट्टे भी हैं, इसका मतलब अगले 10 साल तुझे खेती के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ भैया, सोच कर तो वही लाया हूँ कि खेती के लिए अब टेंशन नहीं होगी,
बाकी देखता हूँ जैसा हो। बिजली, ओ बिजली, देखो देखो कितने बढ़िया बैल लेकर आया हूँ। अरे वाह, बैल तो बड़े हट्टे कट्टे लाए हो, ऐसा लगता है इसका अच्छा खासा कीमत भी लगा होगा। हाँ हाँ, कीमत तो लगा, लेकिन ये बैल अब अगले 10 से 15 सालों के लिए मेरे पास सुरक्षित हो गए। हाँ भाई, अब मैं निश्चिंत हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ इस बूढ़े बैल को जिससे खरीद कर आए थे उसी को बेच जाते। बिजली, 100 बार तुम्हें कहा है इस बारे में मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अब मैं जिस दिन मारा जाऊंगा उस दिन ही ये बैल इस घर से जाएगा, या वो मारा जाएगा तभी। अब जैसी तुम लोगों की मर्जी हो, मेरे ही बोलने से तो कुछ काम होता नहीं है। बैठो, बिठाओ, खिलाओ, मुझे क्या। अरे ये क्या है, ये चमकती हुई चीज, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओ मौसी, मीनू मौसी, इधर आओ, थोड़ा जल्दी जल्दी आओ। अरे रे, आ रही हूँ कल मुहे, क्या हो गया, इतना तड़प रहा है। अरे मौसी, तुम तो मौसी हो, बुजुर्ग हो, बताओ तो ये चमकती हुई चीज क्या है, इसके घंटी से गिरी है। अरे रे रे, ये तो हीरा लग रहा है। अच्छा, हीरा क्यों लगेगा, एक घंटी में बंदा मुझे हीरा देगा। बैल के दाम 19,000 और हीरे लगे हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अरे रे, एक बार घंटी और हिला, देख और भी हीरे हैं क्या। अरे रे रे, कल मुहा, तेरी तो किस्मत खुल गई। क्या कह रही हो मौसी, ये हीरे वीरे नहीं है, इसने सजाने के लिए यूं ही कुछ भर दिया होगा। अरे कलमुहा, अगर मेरा यकीन नहीं हो रहा है तो जोहरी के पास चल, तुझे पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा है, चलो जोहरी के पास चलता हूँ। अरे भैया, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, ये हीरे हैं हीरे, तुम तो माला माल हो गए भाई, बहुत सारा पैसा मिलेगा इस हीरे का। अरे भैया, मैं इस हीरे के इतने सारे पैसों का क्या करूँगा, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अरे कोई हाथ आई लक्ष्मी को मना करता है, एक तू ही अजूबा है, बाकी कोई नहीं। सुन, इस गांव की भलाई के लिए कुछ कुछ काम कर देना, हीरे के सारे पैसे ले ले। अरे वाह, चलो कुछ तो मैं पुण्य के काम कर पा रहा हूँ, वरना मुझे तो लग रहा था कि मेरे पैसे यूं ही बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। गांव के पंछी भी बहुत खुश थे और कालू भी बहुत खुश था। अब गांव के पंछियों को कोई भी समस्या होती तो वो कालू के पास जाते और कालू उनकी सारी समस्याओं का निदान करता।